कोविड की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा स्मार्टफोन से लैस किया गया है। मंगलवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किया। इसके साथ ही नवजात बच्चों की वृद्धि का स्तर मापने के लिए प्रदेश के हर आंगनबाड़ी केंद्र को नवजात वृद्धि निगरानी यंत्र इंफोटोमीटर भी प्रदान किया गया। कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन मुहैया कराने के पीछे सरकार का प्रयास है कि आंगनबाड़ी कार्यक्रमों को और पारदर्शी बनाना है। स्मार्टफोन से लैस होने के बाद बच्चों के पुष्टाहार और देखभाल समेत आंगनबाड़ी से संचालित होने वाली योजनाओं को ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। इसका फायदा यह होगा कि डेटा रियल टाइम अपडेट होगा और सरकार को पता रहेगा कि कहां क्या स्थिति है। जिले में मंगलवार को विकास भवन के सभागार में जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह के द्वारा 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किया गया, जिसके संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह ने कहा कि शासन द्वारा जनपद में 3,948 स्मार्टफोन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुल 3,650 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके अलावा सुपरवाइजर को स्मार्टफोन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब आंगनबाड़ी के सभी योजनाओं का कार्य पोषण ट्राइकर ऐप पर किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह ने कहा,
यहाँ पर उपस्थित आंगनबाड़ी क्षेत्र की सभी के उनकी संपदों में आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रम में उनके सभी विभाग के अधिकारीगण आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हुए सभी आंगनबाड़ी डिजाइनिंग मुझे बहुत प्रसन्नता है कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कार्यकर्ती और ईमानदार सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम तकनीक के माध्यम से शासन की योजनाओं को कठिन समाधान तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और मैं पिछले चार सरकार उनके विभाग के लगातार इस बारे में कहता हूँ जो तकनीक के लिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार के संसाधन उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें वो शासन की योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश में विगत 4 वर्ष के अंदर एक लंबी दूरी तय की आज तक रोज के बारे में लोगों की धारणा बन गई देश की भी और दुनिया की भी हरेक विभाग ने कुछ न कुछ नया किया है अच्छा किया है और अन्य के लिए भी उससे सीखने के लिए कुछ नया भी मिला आजकल कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है कहने के लिए स्मार्टफोन वितरण या ब्रेड मंत्री डिवाइस के वितरण का कार्यक्रम हो सकता है लेकिन इसकी जोर शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हों की पत्थर की याद करिए आज से 4 साल पहले तक की गर्ती थी आंगनबाड़ी की बहनों को जब तक के हम लोग घर घर खाते थे कि पता नहीं कहा धरना के रखते में लोग बैठ तक के चावल प्राप्त करते थे लेकिन आज इनके प्रतिनिधि देखते आज इनके प्रति सम्मान राजा का भाव बना और मैं स्वयं बहुत नजदीक से इनके कार्य प्रगति को देता हूँ भले भले हम सब को बारे में जानना होगा कि व्यक्ति है संस्था है अपने बारे में कितना भी बड़ा विज्ञापन जारी करें कितना प्रचार प्रसार करें सब कुछ कर दें लेकिन विपत्ति और आपत्ति के समय भी आप उसकी सही पहचान कर सकते हैं विपत्ति संकट आने पर आप खड़ा हो सहयोग के लिए खड़ा हो और कितना भी बड़ा चिंतन क्यों न हो कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो अगर उसकी बुद्धिमता लोक कल्याण के लिए समाज कल्याण के लिए उपयोगी वो उपयोग में नहीं आ रहा है उसका कोई भूत नहीं लेकिन योगी जो कहता ही गलत है जहां पर जगह रहती है जहां पर वो कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं और उस समय करोगा तो पता नहीं नहर बना हम लोग
अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी आंगनबाड़ियाँ काम कर रही हैं, वो सब कुछ एक पोषण ट्रैकर ऐप है, उस पर अब हमारा सब काम होना है। जितने भी हमारे लाल श्रेणी के बच्चे हैं, पीले श्रेणी के बच्चे हैं, सैम मैम हैं, उन सब का उस पर दर्ज किया जाना है। और जो भी पुष्टाहार डिस्ट्रीब्यूशन होता है आंगनबाड़ी द्वारा, जो भी काम किया जा रहा है, वो सब हम लोग अब पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। उसी ऐप के लिए ये मोबाइल दिया गया है। इसी ऐप से हम लोग ट्रैक करेंगे, सबका एसएस है हमारे पास, है प्रशासन में है, वो उससे ट्रैक होगा कि कितने आंगनबाड़ियों ने काम किया, कितना पुष्टाहार डिस्ट्रीब्यूट किया, सारा कुछ उस ऐप के माध्यम से उस मोबाइल में रहेगा। इसलिए आंगनबाड़ियों को ये मोबाइल हम लोग उपलब्ध कराएँ। जनपद में सर कितने डिस्ट्रीब्यूट हुआ? जनपद में अभी हम लोगों ने यहाँ पे 100 का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और फिर ये क्रम बना करके एक पूरे सभी ब्लॉकों में हमारा 3948 मोबाइल आया है, जिसमें से 3650 हम लोग अभी वर्कर जो काम कर रही हैं उनको हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जितने सुपरवाइजर हैं उनको भी देने का प्रावधान है।